ये मार्स पर रहने वाले कॉकरोच मैन है। ये एस्ट्रोनॉट उसे हेलो करता है और अगले ही पल कॉकरोच मैन उनके पास पहुंच जाता है और वो उसकी गर्लफ्रेंड को मार देता है। अब एस्ट्रोनॉट कॉकरोच मैन पर चिल्लाता है लेकिन वो उसकी बातों को नजरअंदाज करता है और वहां से भाग जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने सामने दम तोड़ता देख सदमे में है। अब वो शिप में पहुंचकर कैप्टन से पूछता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। अब कैप्टन उसे सच बताता है। वो बताता है कि 500 साल पहले जापान की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और हमारा छोटा सा देश बहुत घबराया हुआ था। तब वैज्ञानिकों ने एक योजना बनाई कि वो कॉकरोचों और हरी काई को मार्स पर ले जाएंगे। इस तरह वो मार्स पर इंसानों के लिए माहौल बनाना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से इन 500 सालों में कॉकरोच मार्स पर तेजी से बढ़े तो लेकिन साथ ही वो बहुत ज्यादा विकसित हो गए और जल्दी ही वो इंसानों के जैसे दिखने लगे। अब समय आ गया था कि उन्हें खत्म कर दिया जाए। इस बीच एक कॉकरोच ने इन्हें ढूंढ लिया है और वो इनके यान की तरफ ही आ रहा है। अब कप्तान जल्दी से एक क्रू मेंबर को कॉकरोच मैन से लड़ने के लिए भेजता है। आदमी बाहर आता है, उसके हाथ में एक इंजेक्शन है जिसे वो अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है। अगले ही पल इंजेक्शन अपना असर दिखाने लगता है। अब पलक झपकते ही वो एक शक्तिशाली इंसेक्ट मैन में बदल गया है।